नमस्कार दोस्तों, तो जो बिग बिलियन डे सेल या फिर अमेजोन गेट इन डे सेल, इसमें आपको अलग अलग ब्रांड की तरफ से कौन कौन सा स्पेशल ऑफर देखने को मिलेगा उसके ऊपर एक एक करके ब्रांड ऑफर रिवील कर रहा है। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था, अभी इस सेल में अगर आपको सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन लेना है तो पोको की तरफ से पोको M6 प्लस सबसे बढ़िया चॉइस है। लेकिन आज एक्चुअली और एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन का डील रिवीलेशन हुआ है। जैसे कि इस जगह देख सकते हैं, पोको की तरफ से ऑफिशियल पोस्टर आ चुका है कि जो अपकमिंग बिग बिलियन डे सेल जो वाले, इसमें आपको पोको X6 Pro जैसा स्मार्टफोन मिलेगा एग्जैक्टली 20,000 पे। अभी आप ऐसे बहुत लोगों के मन में सवाल आ सकता है, आप लोगों के पास शायद कार्ड ऑफर नहीं है। डोंट वरी, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, मेरे पास कार्ड है। लेकिन ये जो 20,000 रुपए या फिर उसके नीचे हमें जो पोको X6 Pro मिलेगा, क्या ये जो प्राइस कार्ड ऑफर मिला कि या फिर विदाउट कार्ड ऑफर या फिर जो ओरिजिनल प्राइस है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा डाउनग्रेड मतलब डिक्रीज देखने को मिलेगा? तो देखिए, जितना मैंने सुना है, अभी पोको X6 Pro अगर आप फ्लिपकार्ट में देखेंगे जिस प्राइस पॉइंट में अवेलेबल है, पहले तो उस प्राइस को आपको कैश डिस्काउंट देखने को मिलेगा। मतलब वो जो प्राइस वो ऑफिशियली कम होने वाला है इस सेल के दौरान, उसके ऊपर भी अगर आपके पास मोस्ट प्रोबेबली फ्लिपकार्ट एक्सिस या फिर HDFC का अगर आपके पास कार्ड है तो उसके ऊपर आपको 2,000 से 3,000 रुपए का और डिस्काउंट मिल सकता है। मतलब कैसे देखिए, पोको X6 Pro ऑफिशियली आपको मिलेगा 20,000 या फिर उसके नीचे। अभी जो सबसे मेन सवाल, अगर 20,000 रुपए आप इस फोन के ऊपर खर्चा करेंगे तो क्या 20,000 रुपए के हिसाब से सबसे बेस्ट ऑलराउंड या फिर गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन होगा? अभी देखिए, ये जो स्मार्टफोन जब पहली बार सेल आया था, मतलब जिस इसका पहला ऑफिशियल सेल हुआ था इंडिया पे, मैंने स्मार्टफोन बाय किया था, इसका पूरा रिव्यू मैंने किया था। अगर आप चाहते तो आप गैजेट चैनल पे या फिर आई बटन में सर्च करके देख सकते हैं। इधर मैं आपको बस ये चीज बताऊंगा, अगर 20,000 रुपए इस फोन के ऊपर मैं खर्चा करने वाला हूं तो 20,000 रुपए पे कंपटीशन जहां पर हमें प्रोवाइड कर रहा है फुल HD प्लस डिस्प्ले और 8-bit पैनल। इस फोन में आपको मिलेगा 1.5K डिस्प्ले और उसके साथ 10-bit पैनल नॉर्मली और 2-bit सॉफ्टवेयर के जरिए इंक्रीज किया जाएगा। मतलब कंपटीशन के मुकाबले बेटर क्वालिटी का डिस्प्ले इस फोन में हमें देखने को मिलेगा। प्रोसेसर की अगर बात करें, इस प्राइस पॉइंट में मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा, Dimensity 7200 या फिर Dimensity 7300 एनर्जी। अब ये दोनों का जो अंटूटू स्कोर वही 7 से 7.5 लाख के आसपास है। लेकिन उसी जगह पे पोको X6 Pro में हमें मिलेगा Dimensity 8300 अल्ट्रा, जिसका एवरेज अंटूटू स्कोर है 13 से 15 लाख के बीच में। तो मतलब समझ जाते कि परफॉर्मेंस के मामले भी ये जो प्रोसेसर कॉम्पिटिशन के मुकाबले काफ़ी बेटर है। अगर हम रैम और स्टोरेज के क्वालिटी और क्वान्टिटी के बारे में बात करें, सेम प्राइस पॉइंट में कॉम्पिटिशन आपको मैक्सिमम क्या देगा, LPDDR4X और UFS 2.2 या फिर 3.1। इसमें आपको क्या मिलेगा, LPDDR5X और UFS 4.0 का कॉम्बिनेशन। मतलब एक चीज देखिए, डिस्प्ले में बेस्ट ऑन पेपर, प्रोसेसर रैम और स्टोरेज में बेस्ट ऑन पेपर। नेक्स्ट अगर हम इसके बैटरी और चार्जर की बारे में बात करें, कॉम्पिटिशन हमें मैक्सिमम दे रहा है 5,000 mAh या फिर 5,500 mAh बैटरी। ये चीज हमें पोको में भी देखने को मिलेगा। कॉम्पिटिशन हमें मैक्सिमम दे रहा है 67W या फिर 44W का चार्जर, सेम चीज हमें पोको में भी देखने को मिलेगा। मतलब इस मामले में कॉम्पिटिशन के जैसा ही। कैमरे की अगर बात करें, 64, 8 और 2 का डीआर, 20 का सेल्फी। अभी जैसे कि मैंने कहा, इसका जो कैमरा मैंने अच्छे से टेस्ट किया था, अभी ये जो कैमरा है एग्जैक्टली हमें पोको X6 के अंदर मिलेगा। मैं बोलूंगा कि दोनों का ही जो कैमरा 25,000 रुपए के हिसाब से एवरेज है, क्योंकि उस प्राइस पर मैंने कहा था ठीक है चलेगा 25,000 के हिसाब से। लेकिन अभी स्मार्टफोन का प्राइस कम हो चुका है, मतलब ये फोन अभी आपको मिलेगा 20,000 पे, तो ऑब्वियसली मेरा जो ओपिनियन वो थोड़ा सा चेंज होगा। अगर मैं 20,000 रुपए के हिसाब से इसके कैमरा को रेटिंग देता हूँ तो मैं इस कैमरा को टॉप 2 के अंदर डिफिनेटली मैं मानना चाहूंगा। मतलब मेरे लिए अभी भी नंबर 1 पोजीशन में iQOO Z9 का कैमरा और नंबर 2 पोजीशन में मोस्ट प्रोबेबली होगा पोको X6 Pro का कैमरा। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, मैंने पोको X6 और पोको X6 Pro दोनों कैमरा मैंने टेस्ट किया था, 20,000 के हिसाब से पोको X6 एवरेज, X6 Pro 25,000 के हिसाब से वो भी था एवरेज। और क्योंकि अभी इसका प्राइस हो चुका है 20,000, तो इसलिए उस हिसाब से इसका कैमरा मैं डेफिनेटली टॉप 2 के अंदर लेना चाहूंगा। तो अभी जब वीडियो का मैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये जो स्मार्टफोन अभी करेंटली 20,000 रुपए पे सबसे बेस्ट ऑलराउंड स्मार्टफोन है? तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से डेफिनेटली 20,000 के अंदर सबसे बेस्ट ऑलराउंड स्मार्टफोन है। मतलब 20,000 रुपए एक फोन के ऊपर खर्चा करने के बाद हमें इसमें से मैक्सिमम जो भी स्पेसिफिकेशन मिल सकता है वो सब कुछ हमें इस पोको X6 Pro से मिलने वाला है। अभी वीडियो का मैं एक और इंपॉर्टेंट सवाल, क्या पोको X6 Pro में हमें ग्रीन लाइन इशू या फिर मदरबोर्ड इशू मिलेगा कि नहीं? अभी देखिए, ये जो पोको का मदरबोर्ड इशू का जो भी प्रॉब्लम था 2-3 साल पहले था, फॉर एग्जाम्पल पोको X3 सीरीज, मेरे ख्याल से पोको M4 सीरीज और मेरे ख्याल से पोको F सीरीज के अंदर शायद कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो इसलिए मेरे ओपिनियन के हिसाब से पोको वालों ने जो मदरबोर्ड इशू उसे टोटली फिक्स कर दिया है। अगर हम ग्रीन लाइन इशू के बारे में बात करें, अभी एटलीस्ट मैंने कोई भी पोको के डिवाइस में ग्रीन लाइन इशू नहीं देखा है। तो अभी आप मुझे कम से कम पता नहीं कि जो 20,000 पे पोको X6 Pro जो मिलने वाला है, तो क्या आप इस प्राइस पॉइंट में इसे लेना चाहेंगे या फिर दूसरा कोई डिवाइस आप चूज करना चाहेंगे?
इसके बारे में मुझे जो क्वेश्चन करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और हाँ, इसके बाद अगर मुझे ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग ऑफर मिला तो मैं ऐसे डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए जरूर मैं बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।